सो हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब लोग एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि केस जो था हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज जो है uh, वो केस डिस्पोज ऑफ किया है जो जे के का केस था और जहाँ पे पिक्चर्स ने ये बोला था कि एपटेक के रिलेटेड राइट एंड दिस केस वाज अबाउट जे ई एंड जे के एस जे के पी एस आई और uh, अब ये जो ऑर्डर आया है इसका कि इसमें ये बताया गया है जो रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो रिव्यू कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो ये एक अप्रहेंशन लगाए गए थे कि कि जो एपटेक है वो उसमें पहले पाँच मिनट या सात मिनट एक्सेस मिला था कुछ वो हैक किया गया था कुछ ऐसे अप्रहेंशन थे तो रिव्यू कमेटी को क्या करना था वो देखना था वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है नहीं सही है या कितना कोई दादी हुई है इसमें कोई स्कैम है तो रिव्यू कमेटी को रिपोर्ट देना था ठीक है लेकिन जो अभी तक नहीं आया है तो अब ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो ये रिव्यू कमेटी बनाई गई है इसको विद इन द पीरियड ऑफ टेन डेज विद इन अ पीरियड ऑफ टेन डेज आपको क्या करना है जब ये जजमेंट पास की गई फ्रॉम द दे डेट ऑफ पासिंग दिस जजमेंट दस दिन के अंदर अंदर रिव्यू कमेटी को क्या करना है रिपोर्ट सबमिट करना है इस केस के रिलेटेड ठीक है और जो वो रिपोर्ट सबमिट करेगी वो किसको रिपोर्ट सबमिट करेगी वो रिपोर्ट सबमिट करेगी द चीफ सेक्रेटरी शाल टेक अ डिसीजन ऑन द बेस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन जो जो कमेटी है वो चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर तो उसी को जो है वो रिकमेंडेशन वो रिपोर्ट सबमिट करेगी और जो चीफ सेक्रेटरी है वो डिसीजन ले लेंगे शाल टेक अ डिसीजन ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बायू कमेटी विदिन अ पीरियड ऑफ टेन डेज देयर आफ्टर तो देखो दस दिन मिले है किसको रिव्यू कमेटी को ठीक है और रिव्यू कमेटी सबमिट करेगी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी जो है वो दस दिनों और दस दिनों के अंदर अंदर एक डिसीजन ले लेंगे और यहाँ पे ये लिखा गया है इस जजमेंट में ये भी कि द डिसीजन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी शल बी कम्युनिकेटेड द डिसजन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी शल बी कम्युनिकेटेड द सेक्रेटरी जेके एस एस बी अब रिव्यू कमेटी जब दस दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी वो चीफ सेक्रेटरी को देगी चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट देके एक कोई डिसीजन ले लेंगे दस दिनों के अंदर अंदर और वो फिर कम्युनिकेट किया जाएगा वो डिसको जो की जेके एस एस बी का सेक्रेटरी है ठीक है हु इज डायरेक्टली डायरेक्ट टू प्रोसीड इट स्ट्रिकली इन अकॉर्डेंस विदीजन टेकन बाई द गवर्नमेंट और उसको भी डायरेक्ट किया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट का डिजन होगा दैट मीन्स चीफ सेक्रेटरी का जो भी डिजन होगा जेके एस एस बी सेक्रेटरी को उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है ठीक है तो यहां पर तीन uh, जो है अभी uh, सामने आ गई हावर टिल द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट जेके एस बी शल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस लेकिन बोला गया है कि जब तक चीफ सेक्रेटरी कोई डिसीजन नहीं लेता है फाइनल कॉल गवर्नमेंट नहीं लेती है तब तक जेके एस बी कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं निकालेगी कुछ प्रोसीजर आगे नहीं ले जाएगी तो इसका मतलब है तीन uh, यहाँ पे सामने आते हैं एक तो uh, रिव्यू कमेटी पहले इम्पोर्टेंट है रिव्यू कमेटी क्या क्या रिपोर्ट में रखेगी तो वो इम्पोर्टेंट है दस दिन उसको दिए गए हैं उसके बाद ये रिपोर्ट दिएगी चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी को भी दस दिन के अंदर अंदर ये आ, फाइनल डिसीजन लेना है और चीफ सेक्रेटरी को वो डिसीजन कम्युनिकेट करना है सेक्रेटरी जेके एस एस बी को ठीक है और दैट मीन्स जेके एस एस बी अभी कुछ नहीं कर सकती है उसको वही करना है जो चीफ सेक्रेटरी बोलेगा और चीफ सेक्रेटरी डिसीजन लेगा रिव्यू कमेटी के बेसिस पे तो आई मस्ट से यहाँ पे जो है फाइनल कॉल फाइनल डिसीजन और फाइनल अथॉरिटी किसको मिली है गवर्नमेंट को मिली है राइट और कमेंट uh, सेक्शन में लिख लेना कि आपकी क्या राय है और आपने क्या अगर आपने कुछ सुना या आपकी एनालिसिस क्या है इस केस के रिलेटेड तो आई होप जो भी हो लेकिन अब टाइम वेस्ट ना हो आगे एग्जाम्स हो पटवारी जो है फॉर्म्स फिलअप किए हैं बच्चों ने दो साल से वो बेचारे प्रिपेयर कर रहे हैं वी एल डब्ल्यू की इतने सारे पोस्ट वैकेंसीज निकले थे आ, हमने पटवारी बैच पढ़ाए वीएलडब्ल्यू बैच पढ़ाए जेके पी एस आई की तीन बैच हमने पढ़ाए लेकिन वो सारे बच्चे बेचारे एग्जाम पास करके भी ऐसे ही बैठे हैं या अगर इनको एग्जाम नया करना है वो भी तो इनको अब फिर जल्द से जल्द करना चाहिए यहाँ से एल जी सर ने बोला था कि हमने टीसीएस की कंपनी को हायर किया है तो ये तो मुझे लगता है ताए है कि इसके बाद अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो एपटेक नहीं होगी मुझे लगता है टी होगी लेकिन अब इनका क्या जो है फ्यूचर रहेगा इन एग्जाम्स का जिस डे और जेके का वो भी देखा जाएगा ठीक है सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल लाइक द वीडियो राइट एंड शेयर विद यूर फ्रेंड्स इनशाला स्टे ट्यून्ड और भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो आई विल शेयर विद यू